हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस संसार में पानी की बहुत कमी हो रही है। हमें पानी सेव करना चाहिए। और आजकल कुछ सालों बाद तो लगता है कि पानी मिलेगा ही नहीं और पानी मार्केट में बिका करेगा बहुत ज़्यादा। घरों में पानी आएगा नहीं तो उस समय बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें अभी से पानी सेव करना चाहिए। तो क्या आपको पता है कि पानी की एक्सपायरी डेट होती है? पानी की एक्सपायरी डेट क्या है? जहाँ नल में पानी हर दिन आता है, वो वही पानी हर दिन बासी हो जाता है और बहा दिया जाता है। और जहाँ 2 दिन में पानी आता है, वहाँ 2 दिन में पानी बहा दिया जाता है। जहाँ पानी 8 दिन में आता है, वहाँ 8 दिन बाद पानी जो बचा हुआ होता है उसे वेस्ट कर दिया जाता है कि आज तो पानी आ रहा है। और शादी समारोह में अगली वाटर बॉटल का मिलते ही हाथ में रखी आधी पानी की बॉटल खत्म हो जाती है और उसे फेंक दिया जाता है। रेगिस्तान में यात्रा करते समय अपने पास रखा हुआ पानी तब तक चलता है जब तक पानी दिखाई ना दे। और अगले मॉनसून तक बांध में पानी ताजा रखा रहेगा। और यदि सूखे की स्थिति बनती है तो यह 2 से 3 साल तक ताजा पानी बना रहता है। जहां 50 फीट के बोरवेल से पानी निकाला जाता है, वह जमीन के नीचे सैकड़ों साल पुराना होता है। यानी सैकड़ों साल पुराना पानी पीने के लिए सुरक्षित है। एक्सपायरी डेट सैकड़ों साल। जहां 400 से 500 फीट पर पानी के बोरवेल से पानी निकाला जाता है, वह हजारों साल तक जमीन के अंदर जमा रहता है, फिर भी चलता रहता है। कुल मिलाकर पानी की समाप्ति हमारी कमजोर बुद्धि पर तय होती है। पानी का हमें संयम से उपयोग करना चाहिए और हमें पानी सेव करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी की कमी की वजह से ही हम लोगों का जीवन समाप्त तो हो सकता है। तो प्लीज आप लोग पानी सेव करिए और हमें आज ही से ये प्रयास शुरू करना चाहिए कि हम पानी को ऐसे ही ना बहाएं और उसका पूरा यूज करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।